हंसराज बोराना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब हंसराज बोराना। आज हम बात करेंगे रामायण की, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान रामायण जहरा देख रहे हैं हम। उसमें एक मंडोत्री ने आखिर विभीषण से शादी क्यों की? रामायण का जब नाम आता है तब सबसे पहले राम, श्री राम जी, माता सीता, बजरंग बली, श्री लक्ष्मण और रावण, ये सब हमें याद आते हैं। रावण के बिना रामायण अधूरी है। अब आपको मंडोत्री लंका की पट रानी थी, यानी जो रावण के बारे में सब जानते हैं। और रावण कुछ लोगों की मन में रहती है कि मंडोत्री का क्या हुआ, रावण के मूर्ति को प्राप्त होने के बाद मंडोत्री की स्थिति क्या हुई होगी, तो काफी लोगों के मन में रहता है। प्लस मंडोत्री की शादी विभीषण से क्यों हुई और मंडोत्री रावण को कैसे मिली, और तीसरा है मंडोत्री को माता पार्वती ने श्राप क्यों दिया। कई प्रकार के आपके मन में सवाल है, आप मेरे से बने रहिए, ये हर सवाल का जवाब अभी आपको मिलेगा। मंडोत्री बहुत खूबसूरत और आकर्षक युवती थी, अप्सरा थी, और हिंदू पुराण में लिखा हुआ है कि कैलाश पर्वत में जब शिव जी अपने भक्ति में थे तब उस समय माता पार्वती वहां नहीं थी, तो एक मधुरा राक्षसी जो वहां से गुजर रही थी, शिव जी को देख के उसकी इच्छा हुई, तो उसने उनको रिझाने की कोशिश की, हर प्रकार की कोशिश की, नृत्य किया और नृत्य किया और उनके भस्म भी लगी हुई थी, तो पूरी कोशिश कर रही थी। तभी माता पार्वती वहां आई, उनको यह अच्छा नहीं लगा और गुस्से में उन्होंने माता पार्वती ने उसको शराप दे दिया कि 12 साल तक इस कुएं में मेंढक बन के ही रहेगी। तो फिर वो राक्षसी, मधुर राक्षसी को बहुत वो टेंशन में आ गई, वो तो उसने बोला कि माताजी मुझे माफ करो, लेकिन शिव जी ने फिर समझाया कि इनको शराप कम तो कर दो, फिर वो शराप कम हुआ नहीं। इसी स्थिति में मयासुर जो असुरों का देवता है, जो मयासुर और हेमा उनके पुत्र नहीं थी, तो वो कठिन तपस्या के लिए उस पर्वत के पास में आए कुएं के, तो वहां लगभग 12 साल पूरा हो गया था और मंडोत्री जो जिसका नाम है मधुरा राक्षसी, जिनका 12 साल पूरा हो गया था, तो वो एक खुद के असली रूप में आ गई थी और सुंदर रूप में थी, वो कुएं में थी और आवाज लगा रही थी कि मुझे बाहर निकालो। तब मयासुर और हेमा उन्होंने कुएं से बाहर निकाला, घर पे लेके गए और उन मधुरा राक्षसी का नाम मंडोत्री रखा गया। रावण का और रावण और मयासुर की दोस्ती थी, तो कभी रावण मयासुर के इधर गया, रावण ने मयासुर की बेटी मंडोत्री बहुत पसंद आ गई उनको और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। मयासुर ने शादी के लिए मना बोल दिया, कारण राक्षस पर्वती का इंसान था रावण और बहुत प्रभावशाली था, बलशाली था, तो उसका प्रेशर आने लगा, जबरदस्त शादी करने का प्रस्ताव देने लगा। तब मंडोत्री ने, समझदार थी, तो उसने सोचा कि ये मेरे पिताजी और माताजी को मार देगा और मुझे लेके जाएगा, तो उसने शादी स्वीकार की, नहीं मैं कुशल मंगल में आपके साथ शादी करूंगी। खुशी से शादी की, लंका आई, लंकापति की पत्नी होने लगी और सोने की लंका में ऐशो आराम की वो जिंदगी जीने लगी, अप्सरा जैसी जिंदगी जीने लगी। उसके 3 पुत्र हुए, एक का नाम था मेघनाथ, एक है अदिकाय और तीसरे का नाम था अक्षय, जो हनुमान जी ने वाटिका में उसका वध कर दिया था। और आपको पता है मेघनाथ भी मूर्ति को प्राप्त हो गया है, अदिकाय भी मूर्ति को प्राप्त हो गया है। रावण की मन में नीयत थी सीता को उठा लाया लंका में, तो मंडोत्री ने कहा, नाथ ये बहुत खराब हो रहा आपके लिए, ये अवतार पुरुष है और आपका विनाश हो जाएगा। रावण ने मंडोत्री की बात नहीं मानी, फिर युद्ध भूमि में आ गया, तो रावण एक बार मंडोत्री ने
ऐसी भक्ति की कि एक बार युद्ध से वापस आ गया जिंदा, दूसरी बार वापस गया रावण मारा गया। रावण मारा गया तब मंडोत्री भी युद्ध भूमि में गई और देखा वहां चित्र, पूरे राक्षस जाति खत्म हो गई है, काफी प्रजा खत्म हो गई है और काफी स्त्री देख के वो मन कोमल हो गया उसका। रामचंद्र जी के देखा, उनका दर्शन हुआ। रामचंद्र जी ने बोला कि आप राजकार्य तो विभीषण संभालेगा और आप विभीषण से शादी कर लो, लेकिन मंडोत्री नहीं मानी। वो वापस राजमहल में गई और अपने खुद को कपाट में बंद कर दिया। काफी समय तक, दिन तक वो कपाट में ही बंद रही। फिर उसने शादी के लिए स्वीकार किया, विभीषण से शादी हुई धूमधाम से, दूसरी शादी हुई। फिर लंका को एक सही दिशा देने में विभीषण और मंडोत्री ने किया, फिर एक खुशहाल लंका वापस स्थिति में आ गई। ये कहानी थी। अभी इसमें ये कथा पौराणिक है, कुछ छोटी मोटी भूल हो भी सकती हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाने में। ऐसे ट्रिप्स आपको मेरे से मिलते रहेंगे और आप अब तक हम इतना ही, और ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।